खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां विंध्य मां एक सबसे बड़े नटवर लाल के खिलाफ कोर्ट मां अदालत के द्वारा जो है बेहद बड़ा सिकंजा कसदीन का है। हालात यह भा कि अपना प्रतीक बताए दी, यह नटवर लाल कलेक्टर के नाम पत्र जारी करके थाना प्रभारी का धन काबर रहा, जाली मार्कशीटों बनाबर रहा और साथ में अपना प्रतीक बताए दी, TRS कॉलेज के पूर्व प्राचार्य तक का फसाए भी रहा। तो विधि क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल महम कनिश तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी नटवर लाल के बेहद बड़ी खबर के, जहां प्रतीक बताए दी कि रीवा के जिला अदालत के द्वारा एक जालसाज पर आरोप तय किए गए हैं। बताया यह गया है कि रीवा मां कलेक्टर के नाम पर पत्र जारी के कई अठे थाना प्रभारी का धमकावा का रहा, साथ है मां जाली मार्कशीटों बनाई गई रही हो के द्वारा तत्कालीन TRS कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ फर्जी शिकायत के मानव आयोग में शिकायत की गई रही। दावा है कि कलेक्टर के नाम एवं पदमुद्रा के उपयोग करके कूट रचित आदेश तैयार कर रहा, जेकर शिकायत विभिन्न थाना में दर्ज कराई गई रही। शिकायत के बाद थाना पुलिस के द्वारा विवेचना करके न्यायालय में चलान पेश किएगा, जहां आरोपी रामबदन साकेत पुत्र वंश राखन साकेत निवासी ग्राम रिमारी सिरमौर के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र तय किए हैं। न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार साथित रामबदन साकेत के द्वारा कई एक कूटरचित आदेश जारी करके थाना प्रभारी का निर्देशित किया रहा, कलेक्टर के नाम पर खुद के खातिर कह रहा क्योंकि साथ कोनो मारपीट होती, हत्या के दिन जाती, कोनो तरह के एक्सीडेंट होते तब कोनो रिपोर्ट लेख नहीं करी, तो यदि ऐसा कोनो करत है तो संबंधित थाना प्रभारी का बर्खास्त कर दी जाए। यह तरह आरोपी के द्वारा एक पत्र तत्कालीन TRS कॉलेज के प्राचार्य ढेकहा मैदान निवासी जो है रामलला शुक्ला का लेके तैयार किन गया रहा, वह पत्र मां मानव आयोग का लेके किन गया रहा और शिकायत के बाद जांच में पुलिस के द्वारा पावा गया रहा कि रामबदन साकेत के द्वारा यह पत्र कूट रचित रहे। कलेक्टर कार्यालय से कबो यह तरह के पत्र जारी नहीं किन गए। बता दिए कि पुलिस के द्वारा जांच में रामबदन साकेत के 2017-18 के अनुसूची फर्जी निकली। आरोप है कि रामबदन TRS कॉलेज के BA छठवें सेमेस्टर के छात्र रहा, तब जियोग्राफी विषय में ओका 6 अंक मिले रहे, पर ओका हुआ जो है 66 बनाए के कंप्यूटर के जरिए मार्कशीट हुआ बनाए के BA कॉलेज में प्रवेश के काउंसिल में भाग लेके एडमिशन प्राप्त के लिए रहा। अपना प्रतीक बता रही पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान रामबदन के विरुद्ध जो है अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किएगा। जिला लोक अभियोजक अधिकारी सुशील शुक्ला के निर्देश पर विशेष लोक अभियोजक सचिन द्विवेदी के द्वारा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गिरीश दीक्षित के न्यायालय में पेश किएगा, जेकर रामबदन के विरुद्ध जो है 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप तय किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा नटवर लाल की जो आंखी से काजल खींच ले, ऐसा सोची हाल है कि जो कलेक्टर का नहीं छोड़ी, जो पूर्व प्राचार्य का नहीं छोड़ी, जो थाना प्रभारी का नहीं छोड़ी, तो सोची वो कितना शातिर हुई। हालांकि कहा थे ना कि जो चोर होते या ये में शातिर लोग होते, जो अपराधी होते, इनका उम्र बहुत लंबी नहीं हो, बहुत दिन तक ही कानून के शिकंजा से दूर नहीं हो सकता ही। ऐसे अब शिकंजा कस गया है, अब आरोपी के ऊपर आरोप तय हो चुके हैं, वह पहुंची अब सलाखन के पीछे। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।